कोट ऑफ द डे है, टू मूव ऑन एंड एक्सेप्ट चेंज इज अ साइन ऑफ विजडम एंड मैच्योरिटी। बहुत सही बात है जो कि यहाँ पे यशवंत के द्वारा बोली गई है। बहुत बार मेरे पास टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हैं वो परेशान होते हैं, किसी के बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम है, किसी के गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम है, किसी के शादी करनी थी शादी नहीं हो पाई, किसी का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है उसकी डेथ हो गई है, किसी के बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया, किसी गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया। गाइज देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, लाइफ जो है अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही बड़ी है। लाइफ के अंदर जब चेंजेस आते रहते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, मुझे मालूम है एक वैक्यूम क्रिएट होता है, अच्छे लोग आपकी लाइफ में चले जाते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, लेकिन ओवर द टाइम जब आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो आपको और भी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, और भी अच्छे लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन बस समझदारी इस बात की कि क्या आप उस चीज के लिए ओपन हो या नहीं हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आज कोई भी चीज आपके पास, मैं मानता हूं बेस्ट है, लेकिन उससे भी बेस्ट होने के चांसेस फ्यूचर में हमेशा होते हैं अगर आप लाइफ को मौका देते हो। तो मैच्योरिटी और विजडम इसी के अंदर है कि लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाए और उसके बाद में आगे जाया जाए। देखिएगा दोस्तों, जीवन में और अच्छे लोग और अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बस ओपन रहिए हमेशा चेंजेस के लिए। ये जो क्राय हमेशा जो है ना, ये रोने की जो प्रवृत्ति है वो सही नहीं है, है ना, कि इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ आगे बढ़ती है और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है लाइफ में होती रहती है ना। तो जितने भी हमारे क्लोज वन भी, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत ही क्लोज वन की डेथ हो जाती है, दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसने अपना कोई क्लोज वन नहीं खोया हो, हर घर के अंदर डेथ होती है। लेकिन क्या आप इस बात को समझते हैं कि अगर कोई डेथ हुई है तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ द चेंज, दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हमें लाइफ को मूव ऑन करना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे और लाइफ को मूव ऑन करके एक्सेप्ट, चेंज को एक्सेप्ट करने को लेकर हमेशा ध्यान रखेंगे।